कार में पेट्रोल छीट कर किया आग के हवाले, कार जलकर हुई राख। जांच में जुटी पुलिस, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मलयपुर थाना क्षेत्र के मलयपुर बस्ती में शनिवार की देर रात्रि की है घटना। शरारती तत्व ने घर के बाहर खड़ी चेवरलेट स्पार्क कार को पेट्रोल खींचकर आग के हवाले कर दिया। कार धू धू कर पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी वाहन मालिक को सुबह 4 बजे उठने के बाद हुई। उसके बाद वाहन मालिक राहुल कुमार रोशन द्वारा इसकी सूचना मलयपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार को दी। उसके बाद घटना स्थल पर मलयपुर थाना के ASI विजय कुमार मांझी दल बल के साथ पहुंचे। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की गई, लेकिन आग लगने के कारणों का इसमें संलिप्त होने की जानकारी नहीं हो पाई है। पीड़ित वाहन मालिक द्वारा अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। वाहन मालिक राहुल कुमार ने बताया कि घर के सामने हमेशा की तरह शनिवार को भी वाहन खड़ी की थी। किसी अज्ञात लोगों के द्वारा वाहन का शीशा तोड़कर पूरी गाड़ी में पेट्रोल छिड़क कर चला दिया गया। सुबह जब गाड़ी में आग लगा देखा तो आसपास के लोगों द्वारा जब तक वाहन में लगी आग को बुझाया गया, तब तक वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। खबर 365 न्यूज के लिए बिहार जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। घटना हुआ यहाँ पर सुबह में जब हम उठे तो देखे मैक्सिमम 4:30 बजे के करीबन की मेरी गाड़ी पूरी तरह से लहक रही थी, जिस पे हमने आया पानी मारने की कोशिश की तो अंदर जल के तो पूरा खाक हो चुकी थी गाड़ी तो, लेकिन हमने पानी मार के फिर भी बुझाया गाड़ी। ये करीबन हमें लगता है 12 बजे के लगभग हम घर गए थे सोने के लिए। ये 1 बजे के बाद की कहानी है और 4:30 बजे हमें नज़रअंदाज हुई। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। देखते रहिए खबर 365 न्यूज। मैं पूजा, नमस्कार। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले प्लीज।